नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी कामयाबी के राह में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं रोशन आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही शानदार वीडियो, बहुत ही शानदार। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, बड़ा प्रमोशन हो रहा हो या फिर प्रमोशंस हो रहा हो, तो उस प्रमोशंस को लेने का प्लानिंग कैसे करें, उस प्रमोशन को किस तरह से अचीव करना है, उसकी प्लानिंग हम कैसे करें, इस वीडियो में वो चर्चा होने वाली है। और बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही आम तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपने प्रमोशंस को अचीव कर सकते हैं। किसी पर्सनल लेवल को मैं हटा देता हूं, यदि आपको SD का प्रमोशन लेना हो या फिर RD का प्रमोशन लेना हो या ED का प्रमोशन लेना हो या फिर PD का प्रमोशन लेना हो, सब प्रमोशन को एक साथ कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसा रहेगा, सारे प्रमोशंस को एक साथ कैलकुलेट कर लेते हैं। कोई भी प्रमोशन, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कोई भी प्रमोशंस आपको लेनी है तो उसके लिए सबसे पहला काम यह कीजिए कि आप अपने लिए सोचना बंद कर दीजिए। आपको ED का प्रमोशन लेना है ना, आपको SD का प्रमोशन लेना है ना, RD का प्रमोशन लेना हो ना, अपने लिए सोचना बंद कर दीजिए। महीने की तारीख शुरुआत हुई, अपने लिए सोचना बंद। तो क्या करें, फिर प्रमोशन कैसे होगा? जी, प्रमोशन होगा। आपको करना क्या है, आपको अपने लिए सोचना बंद करना है। सिवाय आपको करना क्या है, तो आपको अपने डाउनलाइंस के लिए सोचना है। आप देखो कि आप ED हो, आपके नेटवर्क में यदि 30 लोगों की टीम है, कितने 30 लोगों की टीम है, और उस 30 लोगों से आपको SD का प्रमोशन लेना है, तो आप देखो उस 30 लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस महीने में CD से PD बनने के लिए भाग रहे हैं, CD से PD बनने के लिए भाग रहे हैं। वो फोकस कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोग, ठीक है। और बेहतर यह होगा कि आप अपने नीचे के ED को ढूंढो कि आपके नीचे कोई PD है जिसको आपको ED बनाना है, तो उसमें से आपको पता चलेगा इसमें से बहुत सारे PD होंगे जो ED बनने के लिए भाग रहे होंगे। कुछ PD ऐसे होंगे जिसके नीचे टीम बहुत अच्छी नहीं होगी, तो वो इस महीने में टीम बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, तो वो तो ठीक है, वो टीम बनाएंगे, उसके लिए मेहनत जारी रहेगा और उसके प्लानिंग देंगे टीम कैसे बनाया जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति ED का प्रमोशन लेने के लिए भाग रहा हो, तो आपने डाउनलाइन में उस ED को प्रमोशन दिलाने के लिए आप मेहनत कीजिए, ना कि आप SD बनने के लिए। उस PD को ED बनाने के लिए आप मेहनत कीजिए, पता चलेगा उस PD के नीचे 10 लोग काम कर रहे हैं। कितने लोग? 10 लोग काम कर रहे हैं, और उस 10 लोगों से उसको PD का प्रमोशन दिलाना है, तो उस 10 लोगों को एक साथ बिठाइए और एक बड़े सीनियर्स के साथ जो कि SD लेवल पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, RD लेवल पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उनसे एक मीटिंग दिलाइए और उस व्यक्ति से पूछिए क्या आप वाकई में CD से PD बनना चाहते हैं। उस 10 लोगों को सब बोलेंगे हाँ, उसमें से आपको पता चलेगा कि कोई बंदा इसमें से ऐसा बंदा है जो शायद सीढ़ी से पीढ़ी ना बन पाए, क्योंकि उसके पास शायद एजुकेशन की कमी है, तो उसको एजुकेशन में सबसे पहले डालिए, क्योंकि हो सकता है सीढ़ी से पीढ़ी बनने के चक्कर में वो अपना सारा काम बिगाड़ ले, हाँ, अपने फील्ड खराब कर ले, अपने मार्केट खराब कर ले, अपनी लिस्ट खराब कर ले, तो सबसे पहले उसको एजुकेशन से डालेंगे। उसको बोलेंगे सीढ़ी से पीढ़ी तो आपको जरूर बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले इस ट्रेनिंग क्लास को आपको कंप्लीट करना है। 10 दिन का आपके पास समय है, मैं आपसे पूछूंगा इस ट्रेनिंग क्लास संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस, आपको जवाब देने होंगे। यदि आपने जवाब दे दिया तो सीढ़ी से पीढ़ी डन, वो व्यक्ति मोटिवेट होकर ट्रेनिंग लेगा। जब ट्रेनिंग लेगा ना, तो उसके अंदर इतना एनर्जी जाएगा कि वो खुद सीढ़ी से पीढ़ी बनने के लिए भागने लगेगा 10 दिन के अंदर ही। लेकिन फिर भी उसको एजुकेशन से डालना है। बाकी के जो लोग सीढ़ी से पीढ़ी बनने के लिए भाग रहे हैं, तो उस व्यक्ति को सबसे पहले हाउ टू अप्रोच की प्रॉपर ट्रेनिंग दिलाइए, किसी रूम में बिठा करके वीडियो के माध्यम से, मोबाइल से हो, लैपटॉप से हो, उसको दिखाइए, ताकि उसको बात करने में कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो। सामने वाला जब बात करे तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो बात करे। जब इतनी प्लानिंग के साथ उतनी ही शानदार तरीके से जब आप लोगों से बात करेंगे, लोगों के साथ प्लानिंग करेंगे, लोगों के साथ उसके प्रमोशंस को डिस्कस करेंगे, तो सामने वाले को लगेगा नहीं, मेरा प्लान मेरे लिए बहुत ध्यान दे रहे हैं। प्रमोशन आपका SD का है, लेकिन उसको लगेगा कि मेरे अपलाइन मेरे लिए ध्यान दे रहे हैं, और वाकई में आप ध्यान दे रहे हैं, उस PD को ED बनाने के लिए ध्यान दे रहे हैं, और वो PD बहुत ही मोटिवेट होकर के आपके सुर से सुर मिला के काम करेगा, सुर से सुर जो कहेंगे वो करेगा। उसको पता रहेगा कि मेरे अपलाइन जब मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे अपने प्रमोशंस के लिए जरूर मेहनत करनी चाहिए, और वो दिल से मेहनत करेगा, पूरे दिल से। आपके प्रमोशंस की बात होगी वो शायद ढीला पड़ जाए, लेकिन खुद के प्रमोशंस की बात होगी तो ढीला नहीं पड़ेगा। सोच के देखिए ना, अपने डाउनलाइंस में तीन ईडी, तीन अलग अलग लाइन में यदि 3 ED खड़ा कर दिया, अब एक ही लाइन से एक लाइन में 10 लोग हैं और एक लोगों को ED बना दिया और 10 लोग ED बन गया, तो ऐसी ED की बात नहीं कर रहा हूं। तीन अलग अलग लाइन में यदि आप ED बना देते हैं, तो सोच के देखिए कितने काम हो जाएंगे आपके।
बाकी के जो घटे बढ़ते सेल रहेंगे वो आपके सेकेंड परचेज यानी 2000 रुपये का जो प्रोडक्ट हर महीने अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदेंगे ना उससे भी पूरा हो जाएगा जो घटते बढ़ते सेल रहेंगे। हाँ यानी आपका SDK प्रमोशन डन। सेम चीजें RD पर भी लागू होती है, सेम चीजें RD प्रमोशंस पे भी लागू होती है। आप देखिए कि आपके टीम में कोई लोग ED से SDK बन रहा है, सेम प्लानिंग कीजिए। यानी आपको अपने लिए सोचना नहीं है। मैं चाहता तो मैं सेल कैलकुलेट करके बता सकता था इस वीडियो में, इतने टीम है, इस टीम में यहां से इतना सेल करवाइए, यहां से इतना सेल करवाइए, यहां से इतना सेल करवाइए, यहां से इतना सेल करवाइए। ये सारे प्लानिंग में एक बार में फेल हो जाते हैं। आपके अपलाइन जो साथ में आपके हैं ना वो ये सारी प्लानिंग करते हैं। मैं जो मोटा मोटी बात है ना वही मैं बता सकता हूं इस वीडियो के माध्यम से। बाकी काम आप अपने अपलायंस के साथ बैठ के कीजिए कि कहां से कितने सेल आएंगे, कौन कितना सेल कर सकता है। उतना सेल यदि जारी साहब आपको विश्वास है कि कोई CD ये 10 सेल कर सकता है या फिर 5 सेल कर सकता है, तो CD को किस प्रकार से काम किया जाए और उस CD को किस सीनियर्स के फॉलोअप में दिया जाए ताकि वो 10 सेल या 5 सेल कर पाए, क्लियर है। तो वो आपकी नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग हो सकती है इस वीडियो के बाद, यानी अपने के सीनियर्स के साथ बैठ करके प्लानिंग हो सकती है। लेकिन 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 बाकी की जो प्लानिंग होती है ना दोस्तों, ये जो मैंने बताया ये प्लानिंग सबसे पहले होनी चाहिए। कि यानी आपको अपने माइंड में ये फोकस डालना पड़ेगा कि मुझे अपने प्रमोशंस के लिए सोचना नहीं है, मुझे सोचना है तो अपने डाउनलाइंस के प्रमोशंस के लिए सोचना है। हमेशा डाउनलाइंस के प्रमोशंस के लिए सोचना है। और यदि आपके प्रमोशन छूट भी गए ना, डाउनलाइन यदि मोटिवेट रहा ना दोस्तों, इनकेस मैं बता रहा हूं डाउनलाइन यदि मोटिवेट रहा ना, इस महीने में आपका प्रमोशन SD यदि 2 सेल से छूट भी गया तो पता चलेगा अगले महीने में SD आपको इस महीने में 2 सेल से छूट रहा है, अगले महीने में डबल SD का सेल करके एक ही महीने में वो दे दे। सोच के देखिए कितनी मजेदार बात होगी वो। तो अपने लिए सोचना नहीं है, आपको सोचना है सिर्फ अपने डाउनलाइन के लिए। फिर यदि आपको लगे डाउनलाइन का भी प्रमोशन छूट रहा है लेकिन किसी अपलाइन का प्रमोशन हो रहा है तो अपलाइन। क्लियर है दोस्तों। एक छोटी सी ट्रिक मैंने बताने की कोशिश किया है, शायद आपको बेहतर लगा होगा और पसंद आया होगा। शायद इस चीज़ों को फॉलो करके आप अपनी टीम में ऑलरेडी काम कर रहे होंगे। यदि नहीं कर रहे होंगे तो इस ट्रिक को जरूर फॉलो कीजिएगा। छोटा सा ट्रिक है, आम चीज़ें हैं लेकिन कहा जाता है ना चीज़ों को बार बार रिवाइज किया जाता है तो चीज़ें परफेक्ट हो जाती है। तो वही चीज़ें मैं आपको रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा था इस वीडियो के माध्यम से, आपको परफेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, है ना। जब हनुमान जी अपना ताकत भूल गए थे तो जामवंत महाराज उसको ताकत का एहसास दिलाए कि तेरे पास इतनी शक्ति है कि ऐसे 7 समुद्र को लांग सकते हो, तो एक बहुत विशाल रूप धारण कर लिए थे। तो आप हो हनुमान, मैं हूं जामवंत, मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा आपको जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूं, आपकी शक्ति का एहसास करवाने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी ये बातें आपको पसंद आई होगी। पसंद आया होगा तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को हर डिस्ट्रीब्यूटर तक शेयर कीजिए ताकि वो दिल से मेहनत करे और अपने प्रमोशन के लिए दिलो जान से मेहनत करना शुरू कर दे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के साथ। बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।